हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज ये लेक्चर का थमने या नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि ये क्या कर रहे हैं कि ऑडिटिंग एग्ज़ाम से दस दिन पहले शुरू कर रहे हैं पहले तो ऑडिटिंग करानी ठीक है अब दस दिन पहले शुरू करने का क्या फ़ायदा तो देखो फ़ायदा नुकसान तो नहीं मालूम बट अल्टीमेटली ऑडिटिंग के कुछ लेक्चर्स यहाँ पर लाने का जो रीज़न है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर स्टूडेंट्स uh, के हैं उन्होंने कहा कि सर ऑडिटिंग करवा दीजिए तो मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जो है बच्चों को अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं कवर कर सकता हूँ तो फिर मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है हालांकि मैंने इसमें बहुत बच्चों को जवाब यही दिया कि ये अब पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दें और ऑडिटिंग के लेक्चर्स के ऊपर ना जाएं पर जिद जो है उसके आगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ा एंड ऑडिटिंग के कुछ लेक्चर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ या बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे जो एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक है तो चार पांच लेक्चर अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ और वो आप देख लो तो वो भी काफ़ी सफिशेंट होंगे क्योंकि ऑडिटिंग ऐसा कोई मेजर चंक नहीं है आपके पेपर के पार्ट का कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं बट फिर भी आपको हेल्प मिलेगी लास्ट के डेज़ में इनमें से रिविजन के अंदर ओके okay? एंड पहला जो लेक्चर है इसके अंदर हम कुछ कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग देखेंगे बेसिक बिल्कुल आ, जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं ओके एंड लेक्चर्स के इन लेक्चर्स का पीडीएफ भी आपको पीडीएफ फाइल्स के अंदर मिल जाएगा और एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस सोशल सिक्योरिटी गैप के एम हैं इसमें अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो पीडीएफ के लिए अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है वो इंक्लूडेड होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ है यूजिंग द कोड यूपीएससी ई पी एफ़ ओ ओके okay, चलिए फटाफट जब हमारे टॉपिक्स जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली विथ फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग ठीक है डेफिनेशन वगैरह के अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है फीचर्स में ही अपने आप डेफिनेशन कवर हो जाएगी फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑडिट को गवर्न करते हैं क्लीन एंड क्वालिफाइड ऑडिट क्या होता है ऑडिट के फंक्शंस बेनिफिट्स लिमिटेशंस और ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि दो टर्म होती है ना एक टर्म यूज होती है इन्वेस्टिगेशन एक टर्म यूज होती है ऑडिटिंग तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ सबसे पहले तो सिस्टमिक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है बुक ऑफ अकाउंट्स का एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑडिटिंग इज नॉट द क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर का जो काम है वो अकाउंट्स अकाउंट्स बुक बनाने का नहीं है अकाउंट्स बुक तो अकाउंटेंट बना रहा है और अकाउंटेंट जो है वो कंपनी का एम्प्लॉई है ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट कंसीडर्ड द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि कंपनीज एक्ट भी क्या बोलता है जहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा डिटेल में बट एक तरीके से आप उसको समझ लो कंपलसरी ऑडिट जो कानून कहता है कि हर कंपनी को कराना ही कराना है तो उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जिसको उसकी फीस दी जाती है वो कभी भी इंप्लॉय नहीं होता तो बुक ऑफ अकाउंट्स तो यानी कि अकाउंटेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन का वो बनाता है ऑडिटर क्या करता है वो उसको एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है उसका एक पूरा साइंटिफिक वे में एग्जामिनेशन करता है कि हाँ भाई ये बुक ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेनड है या नहीं है सो so ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन करता है या बॉडी ऑफ पर्सन जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल हो एक फर्म भी हो सकती है सी ए होती है ना ऑडिटर फर्म्स होती हैं वो भी कर सकते हैं हु आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब एंड इसके अंदर बेसिकली ऑडिटर करता क्या है जो ऑलरेडी कंपनी के अकाउंटेंट्स ने कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई है बैलेंस शीट बनाई है वो उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं ठीक है क्या जो सिस्टम ऑफ़ अकाउंटिंग फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रिव्यू करेगा कि क्या वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सही है क्या कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं ताकि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो वो कैसे हैं उनको देखेगा अब क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहा है और ऑडिटर जो है वो एक तरीके से उस बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है एग्जामिन कर रहा है किसी को तो अल्टीमेटली ऑडिटर को कैसे पता लगे कि वो जो पेमेंट्स आपने की है वो जेन्युन पेमेंट्स हैं या नहीं है हो सकता है कि वो पेमेंट्स जो आप कर रहे हो दे आर नॉट जेनुइन ऐसा बिल्कुल हो सकता है तो अल्टीमेटली वो पेमेंट्स जेन्यून है या नहीं है उसके लिए कैसे पता चलेगा उसके लिए वो यूज करेगा वेरियस डॉक्यूमेंट्स को जैसे भाई वाउचर वो अब अकाउंटेंट ने फॉर एग्जांपल कोई बिल डाला हुआ है कि, कि किसी को एक लाख रुपए की पेमेंट हुई है तो ऑडिटर वो एक लाख रुपए की एंट्री को देखेगा और उस एक लाख रुपए की एंट्री को देखने के बाद ऑडिटर क्या कहेगा अकाउंटेंट को क्या बोलेगा कि भैया ये एक लाख रुपए की जो तुमने एंट्री की है इसका बिल दिखाओ मुझे तुमने किसी को अगर पेमेंट किया तो उसका बिल भी तो तुम्हें मिला होगा तो वो बेसिकली ये वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है और ऑडिटर को अल्टीमेटली अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पूरे तरीके से ऑथेंटिक हैं ठीक है और जो भी रिपोर्ट उसके पास आई है वो बिल्कुल सही है तो ये ऑडिटिंग के मेन फीचर्स होते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ ऑडिटिंग की तो दो ऑब्जेक्टिव्स uh, होते हैं ऑडिटिंग के मेनली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये ना मैं आपको जो भी आपको ऑडिटिंग में पढ़ाऊंगा ना दिस इज इन थ्रू वन ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो बिल्कुल इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली देखो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 जो है ना वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करता है ऑडिटर के तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है कि वो कंपनी के जो मालिक हैं कंपनी के जो ओनर हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं देखो कंपनी के अंदर दो लोग होते हैं एक होते हैं कंपनी के अंदर मैनेजर होते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं एक होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर जो कंपनी के एक तरीके से मालिक हैं ठीक है कंपनी को चला मैनेजर रहे हैं ठीक है तो अल्टीमेटली मालिक को ये तो पता होना चाहिए ना कि उसकी कंपनी में जो मैनेजर हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जो प्राइमरी ड्यूटी है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का वो मैनेजर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो ओनर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि ओनर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले अपनी कंपनी के बारे में कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो भी अफेयर्स हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सब सही है या नहीं है तो सेक्शन वन फोर्टी थ्री में कंपनीज एक्ट के जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का या ऑडिट का दिया हुआ है सेक्शन है सच आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को हम इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और इंसिडेंटल क्यों बोलते हैं क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव की सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया प्रिवेंशन एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है ऑडिट ने प्रिवेंशन ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करना है वो आप कहोगे कि ये फ्रॉड और एरर को अलग अलग क्यों लिखा हुआ है कई बार हम इसको कन्फ्यूज होकर सेम टर्म बोल देंगे कि भाई गलती है चाहे फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो बिल्कुल सही बात गलती तो गलती है ठीक है लेकिन फ्रॉड में क्या होता है फ्रॉड होता है कि आपने इंटेंशनली कुछ गलत काम किया है आपने इंटेंशनली अकाउंट्स को मैन्यूपुलेट किया है ठीक है दूसरी तरफ एरर क्या होता है कि अनुइंगली ठीक है इंसान कहते हैं ना इंसान से तो गलतियां होती हैं इंसान से गलती हो गई तो वो एक एरर है फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट ने अब बुक ऑफ अकाउंट्स में हजार रुपए का बिल डालना था उसने एक जीरो गलती से एक्स्ट्रा लगा दी एंड दिस इज कम्पलीटली अन इंटेंशनल ठीक है तो इसको हम बोलते हैं एरर और फ्रॉड क्या हो गया उसको पता है हजार का बिल है लेकिन उसने जानबूझ करके दस हजार डाल दिया ताकि बाकी का नाइन थाउजेंड वो अपनी पॉकेट के अंदर डाल ले वो फ्रॉड है तो दोनों चीजों में फर्क हो जाता है और ऑडिटर को दोनों को ही ट्रेस करना है अब अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो ऑडिटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ऑडिट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्म में वो पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसलिए इसको फटाफट से करा रहा हूँ सबसे पहले तो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस देखो ऑडिटर मैंने आपको शुरू में ही लेक्चर के बताया कि वो इंडिपेंडेंट होता है वो कंपनी का इम्प्लॉय नहीं होता क्योंकि अगर वो कंपनी का इम्प्लॉय है ना तो कंपनी का इंप्लॉय हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी के इम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी नहीं चाहेगा कि कंपनी का इंटरेस्ट हिंडर हो लेकिन ऑडिट के अंदर हम क्या चाहते हैं इंडिपेंडेंस चाहते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को या जो वेरियस पार्टीज हैं इंटरेस्टेड हैं कंपनी के अंदर उनके पास एक ट्रू पिक्चर जाए तो इंडिपेंडेंस बिल्कुल चाहिए हमें ऑडिटर की ऑडिटर इंटीग्रिटी का होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने उसको पैसा खिला दिया तो वो ऑडिट को मैनेजमेंट के हिसाब से कंडक्ट कर देगा ऑनेस्ट होना चाहिए सिंसियर होना चाहिए इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए किसी भी तरह का बायसनेस उसके अंदर नहीं होना चाहिए

जब तक उसके पास या तो क्लाइंट की परमिशन ना हो या फिर लीगल ड्यूटी बन जाए कि भाई बाय लॉ कोई इंफॉर्मेशन उसको सरकार को डिस्क्लोज करनी है वो एक अलग चीज है अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक ऑडिटर ने एक पर्टिकुलर बिजनेस के अकाउंट्स ऑडिट किए और जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उसको मिली वो जाकर के उसने उस बिजनेस के कॉम्पिटिटर को दे दिए तो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रोविजन है वो भी रहता है ठीक है डिस्क्लोज नहीं करनी है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एज अ ऑडिटर अंटिल एंड एनलेस आपको आपका इंप्लॉयर परमिशन दे दे जो क्लाइंट है सॉरी नॉट एम्प्लॉयर कभी भी हम

तो अल्टीमेटली ऑडिटर अपना कुछ ना कुछ काम डेलीगेट करता है टू अदर पर्सन एज वेल वो उसके कंपनी में काम करने वाले एक्सपर्ट्स या जो लोग हो सकते हैं लेकिन फाइनली ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन किसका हो रहा है उस ऑडिटर का हो रहा है तो लॉ क्या कहता है या प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो काम उसने डेलीगेट किया था जो उसके बंदों ने काम किया है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी उस ऑडिटर की ही होगी जिसके फाइनली साइन हो रहे हैं ठीक है वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो ये काम डेलीगेट कर दिया था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन जो भी ऑडिटर के सामने मैटर्स आते हैं उसको उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है ताकि वो उसके लिए प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर सके जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ऑडिटर को अपना काम पूरा अच्छे तरीके से प्लान करना है ओके okay? पूरा नॉलेज पहले गेन कर लेना है क्लाइंट का क्या अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है एंड इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं किस किस के साथ कोऑर्डिनेट करना है वो सब प्लान एडवांस में करना चाहिए ताकि ऑडिट स्मूथली जाए ऑडिट एविडेंस में ऑडिटर को रिलाई करना चाहिए माउथ ऑफ वर्ड पे नहीं बट एविडेंस के ऊपर जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि भाई बिल है एक लाख रुपया आपने खर्चा डाला हुआ है अकाउंट बुक्स में तो एक लाख रुपए का बिल देख करके ऑडिटर को सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं है कि पूछ लिया हाँ एक लाख रुपए खर्च हुए हाँ हाँ हुए तो चलो हुए होंगे ठीक है वैसे वाला काम नहीं चलेगा उसके बाद जी अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल अब देखो uh, ये वैसे तो प्राइमरीली जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के कि वो देखे कि कंपनी के अंदर प्रॉपर एक अकाउंटिंग सिस्टम एक एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अब इंटरनल कंट्रोल्स किस टाइप के हैं वो नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगा अब जब ऑडिटर ऑडिट audit करने आएगा तो वो भी ये देखेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम को ठीक से यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर उनको रखेगा ठीक है अब जब ऑडिट का कंक्लूजन होगा और रिपोर्टिंग होगी तो जो भी ऑडिट एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे आ, ऑडिटर अपना कंक्लूजन देगा कि वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उनको ठीक से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ठीक है जो रेगुलेशंस हैं या जो लीगल रेगुलेशंस हैं स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं जा रहा है एडिक्वेट जो डिसक्लोजर है मटीरियल मैटर का जो इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है वो सब उसमें वो हाईलाइट करेगा एंड फाइनली ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा अब रिपोर्ट दो टाइप की होती है क्लीन और क्वालिफाइड अब देखो जी जो भी ऑडिटर का ओपिनियन है वो उसको लिखेगा लिखित में उसको करना है क्लीन ऑडिट क्या होता है कि भैया ऑडिटर पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है कि हर तरीके से रिपोर्ट ठीक है कोई अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर फ्लॉ नहीं है जो भी मटेरियल मैटर की रिक्वायरमेंट थी वो सब अवेलेबल है तो ऑडिटर अगर सेटिस्फाइड है तो उसको हम बोलते हैं क्लीन ऑडिट क्वालिफाइड ऑडिट क्या होता है जहां पर ऑडिटर को कुछ एडवर्स कंडीशन मिली हैं चाहे वो अकाउंटिंग सिस्टम की फॉलोइंग है एंट्रीज की रिकॉर्डिंग है कुछ भी है तो क्वालिफाइड ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिट में कुछ गड़बड़ है ठीक है रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है ऑडिटर को कुछ चीजें जो है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं मिली है तो उस केस में ऑडिटर जो है क्वालिफाइड ऑडिट देता है उसमें वो अपना पूरा ओपिनियन लिखेगा कि किस किस चीजों में उसका ओपिनियन के अंदर जो है उसको कमियाँ दिखी और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है Proper उसका reason देगा ऐसा नहीं है 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 कि यहां भी ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत तो है? Reason properly देना है. तो क्यों देना बिल्कुल मतलब audit clean है, साफ है. Qualified audit में कुछ ना कुछ ऑडिटर के रिजर्वेशन हैं अब ऑडिट के फंक्शंस देख लेते हैं ब्रीफली सबसे पहले तो ऑडिट uh, जो अकाउंटिंग सिस्टम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है उसको रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है या नहीं है उसको देखता है देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है देखो अकाउंट्स तो ऑडिट साल में एक बार होने हैं ठीक है लेकिन कंपनी चाहती है कि आ, कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए एक इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है जो टाइम टू टाइम ऑडिट को आ, जो अकाउंट बुक्स हैं उनको क्लैरिफाई वेरीफाई सब करेगा ताकि बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए और जो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना इसमें कंपनी के इंप्लॉयज ही इन्वॉल्व होते हैं ठीक है रूटीन चेकिंग अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है बुक ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है बुक एंड स्टेटमेंट्स को ठीक से मेंटेन किया गया है जो एसेट्स अकाउंट बुक्स के अंदर शो हो रहे हैं उन एसेट्स को वेरीफाई करना लाइबिलिटीज को वेरीफाई करना एक प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू लेना अकाउंट बुक से स्टैटूटरी या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो बाय लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं एंड फाइनली रिपोर्ट करना ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं ओनर्स की सेटिस्फेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी को चला मैनेजर रहे हैं लेकिन मालिक शेयर होल्डर हैं एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो बुक्स वेरीफाई हो जाती हैं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाता है कंपनी के रिगार्डिंग क्योंकि जो ऑडिटर है वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा ऐसा भी नहीं है कि वो कोई कंपनी का कॉम्पिटिटर है या कंपनी का बुरा चाहता है जो कंपनी के बारे में सब कुछ बुरा बुरा बोलेगा तो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाता है जिससे आप फर्दर अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाने में आपको एज अ कंपनी आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलता है मोरल चेक हो जाता है कि कोई फ्रॉड लेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं इससे शेयर होल्डर्स का राइट right और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है ऑडिट uh, का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट आउटसाइडर्स जैसे कि इन्वेस्टर है कोई इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर तो वो ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर देख करके उस पर रिलाई करता है कि हाँ भाई ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग से उसे पता चल जाता है कि कंपनी ट्रस्टेबल है या नहीं है लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में हेल्प करता है इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करता है एंड लोन फैसिलिटी बैंक्स भी ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं जब आप कोई बड़ा लोन लेने जाओगे तो बैंक कहेगा ऑडिट रिपोर्ट दो क्योंकि वो इजीली फिर उनके लिए इजी हो जाता है जानना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस ओके लिमिटेशंस क्या है महंगा काम है ऑडिटर्स बहुत सारा पैसा लेते हैं सी ओके okay? उसके बाद टेस्ट चेक देखो ऑडिटिंग जो एक्सरसाइज है टेस्ट चेकिंग के ऊपर होती है ठीक है और जो रिजल्ट आते हैं टेस्ट चेक के ऊपर वो हमेशा ट्रू नहीं होते क्योंकि साल में एक बार होनी है और आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप सिर्फ रिलाई कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट इज शोन टू यू नो दैट मे बी फेक टाइम काफ़ी कम होता है बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर ऑडिट परफॉर्म करना होता है अब आप इसको अगर देखो एक छोटी मोटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अलग बात है बट जहाँ पर हजारों करोड़ का है वहाँ पर अगर आपको कोई बोले महीने में ऑडिट करना है जिसमें इतनी इतनी ट्रांजेक्शन हैं तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है एविडेंस की अब देखो अकाउंट्स के अंदर जैसे आप कोई बिल्डिंग है बिल्डिंग की एसेट वैल्यूएशन करनी है ठीक है अब जो ओनर है वो तो चाहेगा कि बिल्डिंग की या जो मैनेजर है वो चाहेगा कि बिल्डिंग की एसेट वैल्यूएशन कम से कम हो ताकि बैलेंस शीट के अंदर जो है एसेट्स कम दिखें अल्टीमेटली तो इसमें अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है अब ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट कि वो बिल्डिंग को देख करके बता दे कि हाँ भाई ये इसका मार्केट रेट आज ये है ठीक है ऑडिटर तो अकाउंट्स का एक्सपर्ट है ना तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के ऊपर जो उसका, उस कम उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन लगा करके देगा अब उसी को वो एविडेंस कंसीडर करेगा नाउ दैट में दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट कंक्लूसिव एविडेंस ठीक है उसके अंदर जो है एरर्स हो सकते हैं उसके बाद एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होता है अब अकाउंट्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कंपनी मेंटेन करके रखती है जैसे डिप्रिसिएशन अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट ठीक है आ, जो ऑब्सिलेंस अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली कंपनी का पैसा डूबना होता है उस फंड में बहुत सारा पैसा रखा जाता है अब वो एस्टिमेशन के बेस पे कंपनी वो फंड्स को डिसाइड करती है अब उनमें ट्रूनेस को चेक करना एग्जैक्टनेस को चेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑडिट की वो मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करती है सो दैट द द वंस अगेन बायसनेस के चांसेस जो हैं, वो बढ़ जाते हैं नो फाइनली बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन तो देखो जी एक एक करके समझते हैं इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर के लिए जो बिजनेस है उसको एग्जामिन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कोई केस आ गया ठीक है कोई फ्रॉड का केस आ गया अब ढूंढने के, तो के, कि किसी किसी के लिए करना है वो तो एक एनुअल एक्सरसाइज है ठीक है वो तो हर साल एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है आप सारे अकाउंट्स चेक कर रहे हो आप ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ठीक है कोशिश ये होती है कि अल्टीमेटली आपको

ओके okay, अब इन्वेस्टिगेशन एनी पर्सन हु मे नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है कि सीए ही आकर के आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा लेकिन ऑडिटिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ठीक है सीएज ऑडिट कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैं उठ के कल को ऑडिट करने चला जाऊं या आप उठ करके ऑडिट करने चले जाओंटिल एंडलेस यू आर द सीए अपॉइंटमेंट कौन करता है देखो जी आ, इन्वेस्टिगेशन के लिए ओनर को अगर कोई लग रही है गड़बड़ हो रही है ओनर इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट कर सकते हैं मैनेजमेंट कर सकती है या फिर थर्ड पार्टी जैसे कि सरकार सरकार को लगता है कि हाँ भाई किसी कंपनी में कुछ फ्रॉड लाइट एक्टिविटी हो रही है तो सरकार भी कर सकती है ऑडिटिंग के लिए ओनर्स और शेयर होल्डर्स ही जनरली अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो जो एजेंसी इसको अपॉइंट करती है इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली इन्वेस्टिगेटर उसी के इंटरेस्ट से रिलेटेड देखता है भाई ओनर ने किया है तो ओनर के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा ऑडिटिंग जो है ये किसी एक सिंगल पर्सन के लिए बेसिकली नहीं होता ये मल्टीपल एरियाज को हेल्प करता है ये ओनर्स को भी हेल्प करता है ठीक है ये पब्लिक को भी हेल्प करेगा कंज्यूमर को भी हेल्प करेगा सरकार को भी हेल्प करेगा बैंक्स को भी हेल्प करेगा स्कोप एंड कवरेज ये सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को बेसिकली कंसर्न करता है इन्वेस्टिगेशन जहां पर प्रॉब्लम है ठीक है जिस एरिया में आपको चाहिए ऑडिटिंग जनरल होती है इन्वेस्टिगेशन के मुकाबले इसमें आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं होता इन्वेस्टिगेशन इज नॉट नेसेसरली कि पिछले एक साल या पिछले एक महीने की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो हो सकता है दस साल पुराने रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो लेकिन ऑडिटिंग जो है वो जनरली हर साल होती है तो एक साल के पीरियड की होती है इन्वेस्टिगेशन के पीछे एक प्री कंसेप्शन होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है ठीक है और उस प्रॉब्लम को हमने ढूंढना है पर ऑडिटिंग में आप एक सस्पिशन लेकर के नहीं चलते हो ऑडिटर कभी भी एक सस्पेशन लेकर के नहीं चलता है कि भाई अकाउंट्स में गड़बड़ है और मुझे ढूंढना ही ढूंढना है पर इन्वेस्टिगेशन ये किस प्री कंसेप्शन के साथ चलती है एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव और कोरेबोरेटिव एविडेंस के लिए वेट करती है एंड ऑडिट के अंदर जो एविडेंस होते हैं वो ज्यादा पर, होते हैं देन कंक्लूसिव कोरेबोरेटिव क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा रिपोर्टिंग इसमें कोई स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग नहीं होती एंड जो ऑडिटिंग होता है उसमें आपको प्रॉपर एक पैटर्न होता है कि किस हिसाब से आपको जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है अब ये ग्लॉसरी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर कॉन्विडेंस एक टर्म आ जाता है एग्रीमेंट ऑन अ सीक्रेट प्लॉट और कल्यूजन बेसिकली फ्रॉड के लिए अगर आप एग्री कर रहे हो परसुएसिव इंटेंडेड और हैविंग द पावर टू इंड्यूस एक्शन और बिलीफ तो बेसिकली ऑडिटिंग इज मोर अबाउट कन्विंसिंग और इन्वेस्टिगेशन इज कोरेबोरेटिव जहां पर आपके पास एडिशनल प्रूफ हार्ड प्रूफ आप गैदर कर पा रहे हो ओके सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द टाइप्स ऑफ ऑडिट लाइक स्टैट्यूटरी इंटरनल वो सब हम डिस्कस करेंगे ओके सो डू टेल मी की कैसा लगा ये लेक्चर एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड बाय